देखो घर का क्या होता है ना, आई विल टेल यू द रीजन। घर अगर आप यंगस्टर हो, मुझे एज ए इकोनॉमी कह लो, इल्यूमिनाती कह लो, या द पीपल हु रन द वर्ल्ड, आपको घर खरीदवा के ज्यादा फायदा नहीं होगा। क्योंकि अगर मैंने घर खरीदवाया तो बिल्डर को फायदा होगा, गवर्नमेंट को फायदा होगा, बेचने वाले को कुछ फायदा होगा, किराए पे चढ़ाने वाले को फायदा होगा, चार लोगों को फायदा होगा, करेक्ट, चार ही लोगों को फायदा होगा। पर आपने अगर घर नहीं खरीदा तो आपकी कोई ईएमआई नहीं है। अब आप रेंट दे रहे हैं, जब आप रेंट दे रहे हैं तो भी तो घर खरीदने वाले को फायदा हो रहा है, मैंने खरीदा तो वो फायदा तो अब भी हो रहा है नहीं हो रहा। करेक्ट। अब आपका जो रेजिडुअल जो है वो म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो तो सारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को फायदा हो रहा है, सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को फायदा हो रहा है। आपका जो रेजिडुअल बच गया, मैं कहूंगा लिव योर लाइफ, तो घूमने भी बहुत जा रहे हो, खर्चा भी बहुत कर रहे हो, तो बहुत लोगों को फायदा हो रहा है। जूते भी महंगे खरीद रहे हो, फालतू के खर्चे कर रहे हो, तो कंज्यूमर डिस्क्रिमिनेशनरी में जो भी है, मोबाइल वाला है, अरे अर्नब यार इतना पुराना और नया खरीद ले यार। अब आप बोलोगे नहीं यार मेरे तो घर की ही मैं जा रही है, मैं नहीं खरीदूंगा, तो यार फिर तो अच्छा ठीक है। फिर बोलो यार और कपड़े महंगे खरीद ले, नहीं यार इतना ही खर्चा करना है, घर की ही मैं जा रही है, तो मैं गुस्सा आएगा ना, सब सिस्टम में गुस्सा आएगा। यार ये सही है, घर खरीदवा दे इसको, अब क्या तू इंजॉय नहीं करेगा लाइफ? अरे नौकरी से आजादी यही मिलेगी, जब वो 40 साल में नौकरी हो नहीं रही होगी, गंदा बॉस होगा, पैसे कमा नहीं रही होगी, घर में माँ बाप बीमार हो रहे हैं, बच्चे पैपै कर रहे हैं, बीवी चैचे कर रही है, मिड लाइफ क्राइसिस आने वाला है, बाल सफेद हो चुके हैं, पेट बिडौल हो चुका है, कहीं कुछ दिख नहीं रहा। अब आप कहते हो मुझे, अब आप फिर घर खरीद के ईएमआई लोगे, फिर 60 साल तक की गुलामी है। गुलामी से आजादी उन्हीं को है जिनने 25, 26, 27, 28 में घर ले लिया। क्योंकि घर लेने के बाद इंडिया में दो ही खर्चे हैं, किराया और बच्चों की फीस, और तीसरा कोई खर्चा नहीं जो कनपट्टी की बंदूक पे है। मोबाइल मत खरीदो, एक लेके बैठ जाओ, मत घूमने जाओ, जहाज से मत जाओ, ट्रेन से चले जाओ, 2 AC से मत जाओ, 3 AC से चले जाओ, 5-star में मत खाओ, 4 में खा लो, खुद बना के खा लो, एयरबीएनबी में रह लो, वो आप सब कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन ये चीज अगर आपने सॉर्ट कर ली पहले, लोगों की आजकल टपक रहे हैं लोग 40s में 30s में, बीवियों को नहीं पता कहाँ म्यूचुअल फंड है, वहां जाके हमारे जैसे वो सर्विस भी दे रहे हैं कि रिकवरिंग इन्वेस्टमेंट्स पता है, घर का तो सबको पता है कि हमने ले रखा है, उसका अगली फैम कोई भी ख्याल रख सकता है ना, कहीं घर के नॉट, इतने घर कोई नहीं खरीद सकता कि घर मिसिंग हो जाएगा, पर म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियोज इतने हो सकते हैं, जीरो नाम नहीं लेना चाहता, डीमैट में 5-6 डीमैट में आपने खोल लिया, यहाँ भी खुला हुआ है, ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, ये लॉन्ग टर्म है, ये मेरा फ्री कॉस्ट शेयर है, ये मेरा पहले का है, ये पुराने का है, रायता खोल रखा है। मैं तो कह रहा हूं यंग आदमी तो भगवान करे क्यों जाए, पर बुढ़ा आदमी भी जाए 70, 75, 80 साल का, तो उसकी फैमिली का ये नहीं समझ में आता उसके जाने का रोना रोए या जो रायता फैला के चला गया उसका रोना रोए।